नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है, नए साल का भव्य आगाज भी हो गया है, लेकिन इससे पहले बिहार सरकार ने 31 दिसंबर की रात बड़ी फेरबदल कर दी है। हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर यानी कि साल के आखिरी रात को बिहार सरकार ने कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जी हां, उसकी सूची हमारे पास है, वो लिस्ट हमारे पास है, और उस लिस्ट को अब हम आपके सामने बताएंगे कि कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिनका तबादला साल के आखिरी दिन हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार ने कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें आपको एक हम जो हालिया अपडेट है वो हम आपको बता दें कि अब राजधानी पटना की अगर बात करें तो पटना के नए डीएम जो होंगे वो चंद्रशेखर सिंह होने वाले हैं, जो कि पहले मुजफ्फरपुर के डीएम थे और अब पटना के नए डीएम चंद्रशेखर सिंह होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला बिहार सरकार ने आखिरी साल के दिन किया है। तो वहीं आपको हम बताते हैं इस लिस्ट के अनुसार कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी जो हैं उनका तबादला साल 2020 के आखिरी दिन हुआ है। चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम, अवनीश कुमार सिंह जमुई के डीएम बनाए गए, प्रणब कुमार मुजफ्फरपुर के डीएम होंगे, जय प्रदर्शनी अरवल डीएम, सज्जन आर शिवहर के डीएम, श्याम बिहारी मीणा मधेपुरा के डीएम, सुब्रत कुमार सेन भागलपुर डीएम, नवदीप शुक्ला कैमूर के डीएम, नवल किशोर चौधरी गोपालगंज के डीएम, धर्मेंद्र कुमार सासाराम डीएम, अमित कुमार मधुबनी के डीएम, डॉक्टर नीलेश रामचंद्र सारण के डीएम। वहीं आपको बता दें कि ये 12 जिले, बिहार के 12 जिलों में जो नए आईएएस अधिकारियों की तैनाती की गई है, उनका सूची, उनके लिस्ट जो था, उनका नाम जो था, हमने आपको बताया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो लिपि सिंह जो है उनको अब सहरसा का एसपी बनाया गया है। तो वहीं मनु महाराज की बात करें तो मनु महाराज को छपरा का डीआईजी बनाया गया है। तो इन्हीं के साथ साथ कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनका तबादला जो है बिहार सरकार ने साल के आखिरी दिन किया है। तो वही नए साल 2021 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ अब बिहार सरकार में कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है, कई फेरबदल किए गए हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।